ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ने आपन समस्तनकु स्वागत। तो आज आम ए वीडियो रे दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहीर मंगले ओइला उषा कविताटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो चलो पिला माने देखिबा यार प्रश्नावली। तेरे देख एक नंबर प्रश्न कौन कही बिकच राजीव दृषा निम्नोक्त केउं अर्थ को बुझाऊ। तेब देख ये ऑप्शन गुड़ाक दे तो यार ठीक ऑप्शन हूँ ऑप्शन ए प्रस्फुटित पद्मफुल सदृश आखि जहार। नेक्स्ट देख दुई नंबर प्रश्न अरुण कषाय बासर अर्थ स्वरूप केउं उक्ति ठीक। तेब यार ठीक ऑप्शन हूँ ऑप्शन आमर ग अरुण रंगर कषाय वस्त्र। तापर देख तीन नंबर उषा को प्रशंसा करी सती सीता केउं वाक्यटी कहिछंती। तेबे यार ठीक उत्तर होउछि ऑप्शन आमर प्रथमटा होउछि क तुमे तिमिर विध्वंसी। नेक्स्ट देख चारि नंबर सीतांकर अन्य नाम वैदेही हेबार कारण कौन। ताहले सीतांकर अन्य नाम कौन वैदेही ताहले तार कारण कौन ना विदेहर कन्या से होउछंती विदेहर कन्या तेणु ताकु वैदेही कह जाए। पांच नंबर देख निम्नलिखित पद गुड़िक मध्य केउटी रूपक कर्मधारय समास नुहे चिन्हई दियो। तेब रूपक कर्मधारय समास नुहे कही ना तो यार ठीक ऑप्शन हूँ तेल ऑप्शन ग बीणा झंकार। छ नंबर कही निम्नोक्त प्रत्येक शब्दर दुईट भिन्न भिन्न अर्थ लेख। तो देख ये बास अंक कर पद वन विधि श्रुति तेब यही शब्द गुड़ाक आम दुईट भिन्न अर्थ बुझाऊ शब्द लेखिया। तो देख प्रथम बास बास ताले सुगंध वस्त्र तापर आउ गोटे बास हूँ गृह ना बासस्थान जोटा। तापर अंक देख अंक हूँ कल अंक हूँ गोटे संख्या कर कर देख कर हूँ खजना किरण हाथी सुंड आउ गोटे कर हूँ हाथ। तापर देख पद आउ पद 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 ताले सम्मान सूचक स्थान कवितार अनुच्छेद पद जमी कवितार गोटे गोटे पद बोली कही था कि सम्मान सूचक स्थान जमी पद पदवी जो कह जाए आउ गोटे पद हूँ चरण। वन देख वन 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 हूँ अरण्य आउ जंगल जो कहचु है वन हूँ कुंज वन ठीक अच्छे। तापर देख विधि विधि हूँ विधाता विधान विधि हूँ आउ गोटे नियम। श्रुति ताले श्रुति कौन कर्ण बा कान आउ गोटे श्रुति हूँ वेद। नेक्स्ट देख सात नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर तीनोटी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। तेब देख ये शब्द गुड़ाकर प्रतिशब्द ताले कौन कुसुम ताले कुसुमर प्रतिशब्द हूँ सुमन प्रसून पुष्प। राजीव ताले राजीवर प्रतिशब्द हूँ पंकज नलिनी पद्म। तापर देख नीर ताले यार प्रतिशब्द अंबु बारी जल। रात्रि ताले यार प्रतिशब्द कौन रजनी जामिनी सर्वरी। गगनर प्रतिशब्द अंबर अंतरिक्ष व्योम। नेक्स्ट आठ नंबर प्रश्न क स्तंभर प्रत्येक पद सहित ख स्तंभर उपयुक्त पद जोग कर। तेब देख ये क स्तंभ ख स्तंभ तो चलो देखा यार ठीक आंसर कौन हम ताले सरस्वरी ना तो प्रथम जो दे सरस्वरी ताले कौन हम ताले हूँ आमर बीणा झंकार ठीक अच्छे। मुक्ता उपहार उषा सुकुमार देही कुंभाटुआ स्तवपाठ मंगल प्रदीप ताले रहुची प्रभाती तारा। तापर तमसा होची आश्रम धात्री। पर देख नौ नंबर प्रश्न बंधनी मध्यरु उपयुक्त सप्तवाची शून्य स्थान पूरण कर। तो करे दीची तुम्भ कमल चरण करे डेस आहरण। तेबे यार ठीक आंसर होची कौन प्रथम होची ज्योति। तापर देख ख प्रश्न बंदिले उषार डेस सवि नयरे ताले कौन हम डेस रे पद ठीक अच्छे। तापर देख ग जानकी दर्शन डेस हृदय बही ताले कौन हम ना यार ठीक आंसर हूँ तृषा। तापर देख घ प्रांगणे कुसुम बिंच सुभाषित बिंची सुभाषित डेस सिंची ताले कौन हम नीर ठीक अच्छे। तापर देख दस नंबर एबे आसिला क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न। तो देख दस नंबर दर्शन दिय सती राति पाहिला एक कथा किए काहाकु कहिछंती। तेबे यार उत्तर होची जे दर्शन दिय सती राति पाहिला एक कथा उषाराणी सती शिरोमणि सीतांकु कहिछंती।
11 नंबर वाल्मीकि आश्रम को उषा काहीकि आगमन करथिले बोली वर्णित होइछि। तबे देख उषा राणी सती शिरोमणि सीता को दर्शन करने को वाल्मीकि आश्रम को आगमन करथिले बोली वर्णित होइछि। 12 नंबर उषा मंगल मुहूर्त आसीथिबा कथा कवितार क्यों पदरु जना पड़ुछि। तबे उषा मंगल मुहूर्त आसीथिबा कथा ना तबे क्यों पदरु जना पड़ुछि ना कवितार प्रथम पद मंगले ओइला उषा एही राति पाइलारु उषा मंगलमय मुहूर्त आसीथिबा कथा जना पड़ुछि। 13 नंबर उषा उपहार स्वरूप कौन आनिछंती। तबे उषा उपहार स्वरूप कौन आनिछंती ना निहार रूपक मुक्ता आनिछंती ना उषा तबे उपहार स्वरूप निहार रूपक मुक्ता आनिछंती। 14 नंबर उषार उषांक कर बोली कवि काहाकु कल्पना करिछंती। उषांक कर बोली ताले उषांक कर बोली कवि काहाकु कल्पना करिछंती ना उषांक कर बोली कवि कणिया पत्र को कल्पना करिछंती। 15 नंबर उषा केउ स्थान रे रही सीता को डाकिले केउ स्थान रे ना सती सीता अवस्थान करुथिबा कुटीर सम्मुखस्थ प्रांगण रे रही उषा सीता को डाकिथिले। तापर 16 नंबर कलकंठ कंठ रे किए कहिला कलकंठ कंठ रे किए कहिला उषा देवी कलकंठ बा कोइली कंठ रे कहिथिले कलकंठ ना। 17 नंबर उषा की प्रकार वस्त्र पिंधिछंती उषा देवी लाल रंगर पाट वस्त्र परिधान करिछंती। 18 नंबर कवि उषा को केउ रूप रे वर्णना करिछंती केउ रूप रे ना कवि उषा को जोगेश्वरी रूप रे वर्णना करिछंती। 19 नंबर मर्त्य भुवन को उषा आसीबार उद्देश्य कौन तेबे मर्त्य भवन को उषा आसीबार उद्देश्य कौन ताले ना सती सीतांकर दुख दूर करी तांकु नवजीवन प्रदान करिबा ही थिला उषा देवींकर मर्त्य भुवन को आगमनर उद्देश्य। 20 नंबर सीतांकु अभिनंदन जणाइबा पई उषा की व्यवस्था मान कराइथिले तेबे सीतांकु अभिनंदन जणाइबा पई उषा की व्यवस्था मान सब करथिले ना सीता अभिनंदन जणाइबापाई उषा राणी संगीत नृत्य वाद्य तथा स्तुति पाठर व्यवस्था मान कराइथिले। 21 नंबर देख उषा सीता सत्य राज्य राणी बोली संबोधन कले काहीकि ना अयोध्या राज्यर राणी रघुकुलवधू सीता ही अग्नि परीक्षा दे स्वीय सतीत्वर पराकाष्ठा प्रदर्शन करिथिबारु कविता सती राज्य राणी अर्थात सती शिरोमणि बोली संबोधन करिछंती। 22 नंबर सरस्वती वीणा झंकार सहित काहाकु तुलना करा जाइछि काहाकु ना आश्रम निवासी मुनि मानंक मुख निसृत वेदध्वनि तथा उच्च ओंकार शब्द को कवि सरस्वती वीणा झंकार सहित तुलना करिछंती। देख तापर 23 नंबर एहा द्वारा वनभूमि रे की परिवर्तन आसिला की परिवर्तन आसिला ना मंत्र बलरे शक्ति वृद्धि हेबा परि एहा द्वारा वनभूमि क्रमश उज्जवल होई उठिला ठीक अछि। 24 नंबर देखो अनुकंपा किए ताले ना ब्रह्मचारिणी अनुकंपा आश्रमवासिनी जनैक तपस्विनी। 25 नंबर अनुकंपा सीतांकु कौन कहिले सीतांकु ना दर्शना भिड़ासिणी उषा को दर्शन दे संतुष्ट करने सहित कोलरे धरी परम सुख लाभ करने को चाह रही तमसार आशापूर्ण करने निमंते शज्ञा त्याग करने निमंते अनुकंपा सती सीता कही। 26 नंबर कौन कही सीता हृदय प्रतिबिंबित वीर राममूर्ति को कवि कहापरि बोली कही कहापरि बोली ना सीता हृदय प्रतिबिंबित वीर राममूर्ति को कवि पद्मिनी हृदयस्थ शिशिर बिंदुरे पतित सूर्यंकर खर रश्मीर प्रतिबिंब परि बोली कहिछंती। 27 नंबर सीता हृदय शोक चर्चरित हेबार कारण कौन तेबे रघुवीर श्री रामचंद्र द्वारा सीता निर्वासित होइथिबारु तांको हृदय शोक चर्चरित होइथिला। 28 नंबर सीता उषा पदवंदन करी कौन कहिले
तेबे सीता उषा पदवंदना करी कौन कहले ना सीता उषा पदवंदना करी तांकु संसार रे अंधकार विनाशिनी तथा सूर्योदय सूचक होवाई कही 29 नंबर उषा को शुभ्र सौरभ रसिके बोली सीता कहले कहीं उषा आगमन संसार शुभ्र सौरभ से परिपूर्ण हो उठुवर सीता शुभ्र सौरभ रसिके बोली कही चंती। 30 नंबर शुभ संपादिनी हुओ रघु वंशिके एक किए क्या तेरे शुभ संपादिनी हुओ रघु वंशिके एक सती सीता उषाराणी को कही चंती। 31 नंबर तमसा को आश्रमधात्री बोली कहीं कहीं तमसा तार तीरें अवस्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम समस्त आवश्यकता को स्वीय स्वच्छ पवित्र जल द्वारा पूर्ण कर धात्री परी पालन करूबार आश्रम धात्री बोली कहा जाए। 32 नंबर प्रश्न कौन कही तमसा नदी की आयोजन कर सती सीता आगमन को अपेक्षा करमसा नदी तेरे तमसा नदी प्रांगण में कुसुम विंची सुवासित जलसिंचन कर प्रभाती तारा को मंगल प्रदीप रूपे प्रज्वलन कर सीता आगमन को अपेक्षा कर 33 नंबर तमसा नदी सीता किपर स्वागत जनईले तमसा नदी किपर स्वागत जनईले सीता तेरे तमसा नदी स्वीय तरंग रूपक कर को प्रसारित कर सीता कोल धरी स्नेहालिंगन पूर्वक स्वागत जन 34 नंबर सीता लाभ कर तमसा निज को भाग्यवती भाई कहीं तेबे संसार सती शिरोमणि रघु कूलबधू जनक नंदिनी सीता कोल धरी स्नेहालिंगन करमसा निज को भाग्यवती भाई तो युवाक क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न तो ये आम सरलार्थ देखिए देख 35 नंबर देवापाई नव जीवन स्वर्ग कि ओह्लाई मर्त्य भुवन तेरे ये पदटी को आम सरल भाषा बुझाई लिखा सरलार्थ लिखा देख देवापाई डट मर्त्य भुवन उक्त पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर द्वारा रचित तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्ग रु संगृहित मंगले ओइला उषा नामधेय कविता आनीत एठारे कवि उषार महत्व प्रतिपादन करिछंती। मंगलमय मुहूर्त बा ब्राह्म मुहूर्त को उषा काल कहा जाए तेरे उषा काल क्या कहा जाए ना ब्राह्म मुहूर्त कहले आमर समय चारिटा माने जो भोर समयटा ठीक अच्छे छटा पूर्वर आम ब्राह्म मुहूर्त बोली कही था उषा काल रात्रि विदाय तथा सूर्योदय वार्ता प्रदान कै रात्रि काल मृत प्राय पड़ रही जीवजगत सूर्योदय नवजीवन पाई चलचंचल हो उठती तेल यही उषा काल रात्रि विदाय ताले राति विदाय होता है ना जिते बड़े आमर यही ब्राह्म मुहूर्त आसी था तेरे राति विदाय होता है और सूर्योदय वार्ता प्रदान करें रात्रि काल में मृत प्राय पड़ रही ताले राति कौन ना सबु जीवजगत पूरा मृत प्राय सोई रही था ना तो तांको शरीर रे जीवन नथिला बड़िया से माने सोई रही थांती एवं एही सूर्योदय हेबा फल रे नवजीवन पाई समस्ते चलचंचल हो उठंती माने सकाळ बा जो ब्राह्म मुहूर्त कथा कह जाइछि से समय रे समस्ते उठिकी चलचंचल हो उठंती। संसार बुकुरु दुख राशि अपसरी जाय आरंभ हुए सुखद जीवन से ही दुख हारिणी नवजीवन प्रदायिनी उषाराणी सती शिरोमणि सीता दर्शन करार अभिलाष नहीं महर्षि वाल्मीकि आश्रम सीता कुटीर सम्मुखस्थ प्रांगण में उपस्थित होती तेरे से ही दुख हारिणी नवजीवन प्रदायिनी ना ताले सीता कहुई सती शिरोमणि सीता दर्शन करार अभिलाष नहीं आशा नहीं किए कौटी को ना महर्षि वाल्मीकि आश्रम सीता कुटीर सम्मुखस्थ प्रांगण में उपस्थित होती उषा रघुवीर श्री रामचंद्र द्वारा निर्वासित हो शक संतप चित्तरे विश्राम नहीं सीता राति पाइबार सूचना देखते रघुवीर रघुवीर किए श्री रामचंद्र ना तो तांको द्वारा निर्वासित हो सीता ताले तांको द्वारा निर्वासित हो शक संतप माने दुखरे ताले से
विश्राम नहीं सीता राति पाइबार सूचना दे सते जेपरी कौन सी जोगेश्वरी सती दुख राशि दूर करी तांको नवजीवन प्रदान करने स्वर्गर मर्त्यमंडल को अवतरण करिछंती सीतांको मनरे विश्वास प्रदान करने अमृत मधुर भाषा आश्वासनार वाणी शुणाई शय्यात्याग करने को आह्वान करिछंती। प्रकृति उपरे मानवत्वर आरोप तथा कवि दार्शनिक दृष्टिकोण वास्तविक हृदय स्पर्शी ठीक अच्छे तेरी लिखिब। नेक्स्ट देख आ गोटे 36 नंबर वैकुंठ देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा छंकार। तो देख ये पदटी को सरल भाषा बुझाई लिखा लिखिदेव वैकुंठ डट डट बीणा छंकार। उक्त पद्यांशटी प्रकृति कवि गंगाधर मेहर द्वारा प्रणीत तपस्विनी काव्यु संगृहित मंगले ओइला उषा शीर्षक पद्यु आनीत। एठारे कवि पवित्र वेदमंत्रर उच्चारण से समग्र ब्रह्मांड किपर उद्वेलित हो उठे ताहा वर्णना करिछंती। भारत वर्ष मुनि ऋषि मानंकर देश ताले आम ए भारत वर्ष मुनि ऋषि मानंकर देश वेद ए देशर आद्य ग्रंथ तथा ज्ञानर उत्स। उषा काल आगमन रे आश्रम निवासी मुनिगण स्नान तर्पण आदि समाप्त करी पवित्र वेदमंत्र उच्चारण करती। ताले आम देश बा आम भारत वर्ष होची मुनि ऋषि मानंकर देश। ताले कौन हिची ना उषा काल आगमन रे उषा काल माने से जो आम ब्राह्म मुहूर्त समय रु मुनि ऋषि माने बा आश्रम निवासी माने उठिकी समस्ते नित्यकर्म स्नान तर्पण आदि ना तो नित्यकर्म से माने सारिकी समस्ते वेद मंत्र उच्चारण करती। देवी सरस्वती वीणार झंकार रे स्वर्गर मृत्यु पर्यंत जेपरी आंदोलित हो उठे से हीपरी मुनिमुख निसृत सुस्वर वेदध्वनि तथा उच्च ओंकार शब्द श्यामल वनभूमि को मुखरित कर गगनभेदी वैकुंठरे वैकुंठपति परम तृप्ति प्रदान करने पृथ्वीर निम्न स्तर को गति कर पृथ्वी को मस्तक धारण करुतिश्रवा वासुकी को मध्य आमोदित करे। भारत वर्षर प्राचीन संस्कृतिर निदर्शन कवि लेखनी जीवंत हो उठी। तापर देख गोटे 37 नंबर सरलार्थ भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगू एका पर संसारे। तो देख भाग्यवती डट डट एक पर संसारे। उक्त पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर द्वारा प्रणीत तपस्विनी काव्यु संगृहित मंगले ओइला उषा शीर्षक पद्यु आनीत। तेबे एठारे कवि सती शिरोमणि सीता कोळरे धरी तमसा नदी किपरि निजकु भाग्यवती मन करिछि ताहा वर्णना एठी करिछन्ति। प्रकृति कवि प्रकृति उपरे मानवत्वर आरोप करिछन्ति। सतीराज्य राणी सीता तमसा नदी तीरस्थ महर्षि वाल्मीकि आश्रम निर्वासित जीवन जापन करिछन्ति। कविंक सूक्ष्म दृष्टि से ही आश्रम पालन करती से ही हेउची तमसा से सती शिरोमणि सीता देखी तांकु कोळरे धरिबा व्याकुल हो उठिछे। रघु कुलवधु सीति कुलचंद्रमा अयोध्यार राजलक्ष्मी देवी सीता भोग लालसा परिहार करी ता कोळरे विहार करिवे बोली से केबे मध्य आशा करी नथिले। तेणु से अत्यंत उत्साह रे रात्रि शेषे स्वागत करने प्रांगण से पुष्पविंची सुवासित नीर सिंचन कर प्रभाती तारा को मंगल प्रदीप रूपे प्रज्वलन कर स्वीय मीन नयन में आसवा पथ को बारंबार चाह प्रतीक्षा कर सतीरत्न सीता मुनिकन्या मानक गहन से स्नान निम्ते जिते बड़े आगमन करते तमसा तार तरंग कर सती कोळरे धरी स्नेहालिंगन कर निजक धन्य मन कर देवी सीता ताकु से ही सौभाग्य प्रदान कर संसार रे समस्ते भाग्यवती कही प्रशंसा करे संतुष्ट चित्तरे प्रकाश कर तेरे वास्तविक प्रकृति कवि प्रकृति वर्णना अत्यंत जीवंत यह निसंदेह। तापर देख 38 नंबर शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुअ रघु वंशिके। तो चलो यह कह सरल भाषा लिखिदबा शुभ्र सौरभ डट डट रघु वंशिके। उक्त पद्यांशटी प्रकृति कवि गंगाधर मेहर प्रणीत तपस्विनी काव्यर चतुर्थ स्वर्गर संगृहित मंगल ओइला उषा शीर्षक कवितु आनीत। एठार कवि भारतीय परंपरार सती नारीर सतीत्वर पराकाष्ठा प्रतिपादन कर भारतीय संस्कृति रे पतिव्रता नारीर स्थान सबुठ ऊर्धरे
से जेकोसी समय जो अवस्था थिले मते निज पतिंकर मंगल कामना करिथाय। सती शिरोमणि देवी सीता रघुवीर द्वारा निर्वासित हो वाल्मीकि आश्रम अवस्थान करुवा बेले निकट में उपस्थित हो उषाराणी देवी सीता नम्रता पूर्वक पदवंदना कर संसार तिमिर विध्वंसी और सूर्योदय प्रतीक बोली कही प्रशंसा कर आगमन संसार शुभज्योति उद्भासित होवास सौरभरे होई उठे आमोदित चतुर्दिगरे भरी जाए पवित्रतार वातावरण से ही समय ही संसार रे शुभ मुहूर्त भाव होदित तेणु से मंगल प्रदायिनी उषाराणी निश्चित मंगल विधान करिवार दृढ़ आशा हृदय पोषण करी पतिव्रता सीता चरण से शरण जाइंट रघुवंशी रामचंद्र सर्वशुभ संपादन करने निम्ते नवेदन करतीय नारीर महानीयता जहाँ कवि लेखनी होई रूपायित तो पाने शरणार्थ गुड़िक सर यापर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक रही तो से गुड़िक आम आ गोटे भिडियो आलोचना करवा भिडटी ना बहुत लंबा हो तो आशा करूँगी प्रश्नर उत्तर गुड़िक तुम्हें भल भाव बुझी जाइए भिडियोटी किपर लगे कमेंट करके जनइब जदि भल लगी थाए भिडटी को लाइक सेयार और चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूल तेब रोज पुणी देखा गोटे नुआ भिडे। धन्यवाद।